हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी किचन। मेरी आज की रेसिपी है बटर चिकन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जो इस तरह से हैं: लहसुन, अदरक, हरे धनिया पत्ते की डंडी, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बटर, धनिया पाउडर, नमक, नींबू, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, काजू, धनिया पत्ती, कसूरी मेथी, गरम मसाला, दही और क्यूब्स में कटे हुए चिकन पीसेस। तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बर्तन में दही ले लिया है, उसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने एक चम्मच लिया है। दही यहाँ पर मैंने 4 चम्मच लिया है और दोनों को मिलाकर के अच्छी तरह से फेंट लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले दिखाए थे उन सभी चीज़ों को मैं ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च को मैंने बहुत ही बारीक काट करके लिया है और मैंने लाल वाली तीखी मिर्च और कश्मीरी रेड चिली पाउडर दोनों को मिक्स करके लिया है। इन सभी चीज़ों को दही में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर करके एवरेस्ट का गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। एक बड़ा चम्मच तेल का ऐड कर दूंगी और सभी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर 1 पिंच फूड कलर ऐड किया है, ये अच्छा कलर देता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए चिकन को डाल रही हूँ। बटर चिकन में इसी तरह से चिकन को डाला जाता है, छोटे पीसेस में। इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। सब कुछ मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नींबू का रस भी मैं निचोड़ दे रही हूँ, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारे चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं, तो इसे हमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो उसके लिए मैंने एक टुकड़ा कोयले को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। चिकन के बीच में इस तरह से कटोरी में हम गर्म कोयले को रखेंगे और उसके ऊपर एक ज़रा सा बटर डाल देंगे। फिर तुरंत ही इसे हम लेड लगा करके ढक देंगे। इससे हमारे चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा स्मोक का। 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे ढक करके रखना है, उसके बाद हमें कोयले को रिमूव कर देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही स्मोकी टेस्ट आ जाएगा। चिकन अब हमारे अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं, तो अब हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लेते हैं और चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। चिकन को कढ़ाई में डालने के बाद एक बार उसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें, फिर उसे हमें स्लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि हमारे चिकन अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। बीच बीच में इसे हमें चलाकर चेक करते रहना है ताकि नीचे से जल ना जाए। जब तक चिकन हमारे स्लो फ्लेम पर पक रहे हैं तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है 1 चम्मच के लगभग। उसमें डालेंगे मोटा कटा हुआ प्याज,
और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन, इसे भी जरा सा भून लेंगे। एक मिनट बाद इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर, धनिए के मोटे डंठल, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और 8 से 10 काजू, ये हमारी ग्रेवी को थिक करने का काम करते हैं। और यहीं पर मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ, इससे सारी चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसे स्लो फ्लेम पर हमें तब तक पकाना है जब तक कि टोमेटो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो आइए अब चेक कर लेते हैं हमारी चिकन कुक हुई कि नहीं। तो अब हमारी चिकन पूरी तरह से कुक हो चुकी है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। हमारी चिकन भी कुक हो चुकी है, और ग्रेवी के लिए जो हम लोगों ने मसाला रेडी करने के लिए रखा था कढ़ाई में, वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। टोमेटोज और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो अब हम इन्हें ठंडा करके पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेना है ग्रेवी के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने वही वाली कढ़ाई ली है जिसमें मैंने चिकन को पकाया था, क्योंकि इस कढ़ाई में अभी तेल और मसाले अच्छी तरह से लगे हुए हैं जो कि बटर चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट लाएंगे, तो मैं उसी कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने 2-3 चम्मच तेल डाला है, और बाकी का मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बटर चिकन मसाला है तो इसमें बटर जाना तो बनता है। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हमें गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है, और उसमें मैं तीखी लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची और बहुत थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इन सभी को 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के बाद ही तुरंत हमें इसमें पेस्ट डाल देना है जो हम लोगों ने टमाटर और प्याज का रेडी किया था। अब सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे स्लो फ्लेम पर हमें तेल छूटने तक कुक करते रहना है। बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है ताकि ये जले नहीं। अब सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ अपने चिकन। अब मसाले और चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे ढक करके 4 से 5 मिनट तक हमें पकाना है स्लो फ्लेम पर। इसे बीच बीच में एक दो बार चेक भी कर लें। चार से पाँच मिनट बाद अब हम इसे चेक करेंगे, तो थोड़े थोड़े से तेल हमें छूटते हुए दिखने लगे हैं, तो इसका मतलब होता है कि मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब यहाँ पर ऐड कर देना है गर्म पानी, हमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, हमें यहाँ पर गर्म पानी डाल करके अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर देना है। बटर चिकन की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कम पानी ही ऐड किया है। अब इसे हाई फ्लेम पर हमें एक बॉयल आने देना है, फिर इसे ढक करके हमें स्लो फ्लेम पर कुक कर लेना है 2 से 5 मिनट के लिए।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेवी में ऊपर की तरफ तेल आ चुके हैं, तो हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे बाकी की चीज़ें। तो हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 से क्रश की हुई कसूरी मेथी और बारीक कटी हुई धनिए की पत्ती। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फाइनली इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच बटर। अब हमारी रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बटर चिकन बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बटर चिकन को नान के साथ सर्व कर रही हूँ। ये नान होममेड है। अगर आपको नान की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ गो एंड चेकआउट फ्रॉम देयर।